बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमात्मा कहते हैं खाले पीले विलसले रे हंसा। परमात्मा कहते हैं कि छोड़ दे पिछलों की रीत, पिछलों की रीत को छोड़ना पड़ेगा, जो पहले हम करते थे उन सभी को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध थी और हमें अब हानि करते थे। हम आशीर्वाद देते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं तो हमारी जो पुण्य होंगे तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे और हमारी उतनी ही जेब खाली हो जाएगी। तो इसलिए ये भी हमने सतलोक चलने के लिए, क्योंकि हम बिल्कुल पुण्यहीन हैं और अपने पुण्यों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा भी नहीं करना है। अब क्या समस्या आती है कि जैसे हमारी बेटियां हैं जो जिन्होंने उपदेश ले रखा है, वो कहीं ऐसे परिवार में उनका विवाह होता है कि वो उपदेशी नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमने पूर्व बुजुर्गों के पैर छूने पड़ते हैं, नहीं तो एक लोक वेद के आधार से हम निंदनीय हो जाते हैं, दुनिया बात बनाती है। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप चरण छू सकते हो लेकिन अपने चरण नहीं छुआना, क्योंकि हम चरण छुएंगे तो उससे कुछ ना कुछ लेंगे। मतलब हमारा वहां चरण छूने का उद्देश्य ये ना होना चाहिए कि ये मुझे कुछ दान दे या मुझे कुछ आशीर्वाद दे, ऐसी भारण भावना नहीं होनी चाहिए। केवल एक रिवाज है तो हम उनके चरण छुए भी, दुख दर्द हो जावे बूढ़े बुजुर्ग जवान के, पैर दबावा भी, कमर भी दबावे, सिर भी दबावे, मालिश करें, नवावे, ऐसी कोई वो दोष नहीं है। भक्तिहीनता या नाम नहीं खंड होता, नाम खंड उसका होगा जैसे आप किसी वृद्धा वर्द के पैर दबा रहे और वो आशीर्वाद दे रही है, बांटे जाएगी, आपको पता है ये खाली टूटी है, इसमें कुछ नहीं है, या वो में बांटा है, इसके पल्ला कुछ नहीं है, वो कहती रहेगी अपने काना पर कटाले और स्वयं अपने पैरों को नहीं छुआवे, चाहे फिर वो क्योंकि बड़े भी हो गए। और ऐसे भी उपदेशी हैं जिनके बच्चों लड़कों का विवाह होता है, पुत्र वधू भी आती हैं, वो चरण छूने की चेष्टा करती हैं, तो चरण जितने वो झुके उनका आदर भी अनादर नहीं करें, वो चरण छूने की चेष्टा करें, आप भी उतना ही झुक के उसके हाथ पकड़ ले और सीने से लगा ले, आ मेरी बेटी, बस सबसे प्यार अच्छा और ये बेस्ट मेथड है। तो इस प्रकार अपने चरण नहीं छुआने हैं और किसी दूसरे का जैसे बुजुर्ग का सत्कार करने में पाप नहीं, ना कोई नामखंड नहीं होता, लेकिन उद्देश्य ये ना हो कि मैं इसके चरण छूं और ये मुझे आशीर्वाद दे, मुझे कुछ प्राप्ति हो पुत्र की या धन की, फिर नामखंड होगा। तो हमने किसी को सिर पे हाथ नहीं रखना, आशीर्वाद नहीं देना, ये हमारे फॉल पॉइंट हैं, ये हमें भक्तिहीनता हीन करने के काल के जाल और रिवाज है। इनको ऐसे तरीके से हमें एक बीच का रास्ता निकालना है कि सांप भी मर जाए, ये रिवाजें भी बंद हों और लाठी भी ना टूटे, हमारा नाम भी खंड ना हो। तो उसके लिए ये नहीं है कि किसी बुजुर्ग या बीमार हो जाता खूब पैर दबावे, उसकी मालिश करे, सिर की करे, सिख करे, जो भी कोई सेवा करनी है कि खूब करो, एक औपचारिकता या किसी दूसरे कारण से नहीं करना चाहिए। तो ऐसे क्या होता था, जैसे पहले पगड़ी बांध देते थे, जिसको पगड़ी बांध दी बड़े बेटे के, तो वो आशीर्वाद देता था पहले ही कि ये मेरे बाद ये उत्तराधिकारी होगा। फिर कुछ क्या होता है कि मृत्यु के उपरांत तो वो बुजुर्ग उनका पिता या दादा पितृभूत बनकर फिर उसी में प्रवेश कर जाता है और अपनी शेष कमाई को फिर उसमें प्रवेश करके भी बांटता रहता है और इस प्रकार वो फिर सीधा पशु योनि में पहुंच जाता है। ये काल का जाल है, परमेश्वर कबीर देव ने हमें बताया है। अब हमने पग पग पर
बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने हैं यदि आपने इस काल के जाल से निकलना है।